हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एमपी करंट अफेयर्स 2019 के बारे में। तो आप लोगों को बता दें, इसमें एमपी जीके को भी सम्मिलित किया गया है। पुराने कुछ तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और नए 2019 तक दिसंबर तक जो नए तथ्य हैं उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग पिछले दो लेक्चर देख चुके हैं, अगर उन्हें भी आप देखना चाहते हो तो प्ले सूची में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से एक प्ले सूची बनी हुई है, उसी में जाकर डले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। वर्ष 2016-17 तक जल संसाधन विभाग द्वारा 29.2 लाख हेक्टर सकल सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया, जिसमें रबी की फसल रबी का था 26.51 लाख हेक्टर क्षेत्र एवं खरीफ खरीफ की था 2.51 लाख हेक्टर क्षेत्र पर कृषि की जाती है। वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 तक बात करें तो 29.22 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जल विभाग द्वारा मार्च 2020 तक 35.19 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 60 लाख हेक्टर तक करना है। बेहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो प्रदेश में मध्य प्रदेश में 20 बेहद तथा 51 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। यहाँ पर बेहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 1814.16 हज़ार हेक्टर तथा वर्ष 18-19 के दिसंबर तक 2046.31 हज़ार हेक्टर सिंचाई क्षमता विद्यमान है। आगे बात करते हैं लघु परियोजना के बारे में। मध्य प्रदेश में 404 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2017-18 में 658.88 हज़ार हेक्टर तथा वर्ष 18-19 में के दिसंबर तक कुल सिंचाई क्षमता 875.93 हज़ार हेक्टर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 6 जिलों जिनमें राजगढ़, सीहोर, आगर मालवा, शाजापुर, विदिशा, सागर की 24 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 137 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। इस योजना में प्रदेश की 8,979 हेक्टर क्षेत्र अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित हो गई। आगे बात करते हैं हम लोग 2017-18 की स्वीकृत नवीनतम परियोजनाओं को देखते हैं मध्य प्रदेश की। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो इससे लाभान्वित सागर है, सागर जिला। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले को लाभान्वित करेगी। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी से संबंधित है। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी, कान्याखेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर, निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल, भोगरी सिंचाई परियोजना ये बैतूल, छिन्ना सिंचाई परियोजना बैतूल, आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना, सनकोट सिंचाई परियोजना सीहोर, मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर, गढ़ा सिंचाई परियोजना बैतूल और सामगढ़ सुवासारा सिंचाई परियोजना मंदसौर। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। कड़ान मध्यम सिंचाई योजना किसे लाभान्वित करती है, कौन से जिले को, सागर को। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी, कान्याखेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर, निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल, भोगरी सिंचाई परियोजना बैतूल, झन्ना सिंचाई परियोजना बैतूल, आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना, सनकोटा सिंचाई परियोजना सीहोर, मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर, गढ़ा सिंचाई परियोजना बैतूल, सामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना मंदसौर।
ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे, वर्ष 2017-18 में छिता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना, कोटेश्वर लघु ये जबलपुर में है, छिता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जबलपुर, कोटेश्वर लघु सिंचाई परियोजना रतलाम, कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना सागर, भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर स्वीकृत की गई है, जिनसे प्रदेश में 18,350 हज़ार हेक्टर सिंचाई क्षमता वृद्धि होगी। तो याद रखना है आपको, छिता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जबलपुर से संबंधित है, कोटेश्वर लघु सिंचाई परियोजना रतलाम, केत मध्यम सिंचाई परियोजना सागर, भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर स्वीकृति की गई है, और इनसे कितना क्षेत्र सिंचाई क्षमता है इसकी, 18,350 हज़ार हेक्टर। ठीक, आगे बात करते हैं सिंचाई क्षमता एवं उपयोग 1,000 हेक्टर में। तो 2013-14 में बेहद एवं मध्यम से था 1,569 हज़ार हेक्टर, लघु से था 761 हज़ार हेक्टर और कुल था 2,330 हज़ार हेक्टर। 2014-15 में 1,633.10 हज़ार हेक्टर और लघु से था 758.90, कुल था 2,392। 15-16 में 1,968.71, बेहद एवं मध्यम से लघु से था 781.68 और कुल था 2,755.39। 16-17 की बात करें तो 1,998.63, बेहद एवं मध्यम से 904.11 लघु और 29.74 कुल थी सिंचाई क्षमता। 17-18 की बात करें तो 1,732.86 बेहद एवं मध्यम से परियोजनाओं से लघु से था 643.96 और कुल था 2,376.83। 18-19 की बात करें, ये महत्वपूर्ण है, तो इस बेहद एवं मध्यम से कितना है, 2,046.31 लघु से 875.93 और कुल है 2,222.24 हज़ार हेक्टर। ठीक है, तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वन वन्य जीव पर्यावरण करंट अफेयर्स से अपडेट करके। ठीक।